राम राम साथियों, साथियों एक बार फिर भाई किसी भाई का नेट माइंग की दो चार बात करन खातर लाइव आया हूं। पहली बात तो बहुत सारे साथियों के फोन आ रहे हैं, बार बार एक एक सेकंड में फोन आवे हैं, सबके फोन नहीं उठा पाता, सबके फोनों के जवाब नहीं दे पाता। माफी चाहूंगा भाइयों, बहुत ज्यादा बिजी हो गए, एक एक साथी को संभालना पड़ रहा है, आंदोलन को संभालना पड़ रहा है, इसलिए किसी भाई का फोन नहीं उठा पा रहा, जवाब नहीं दे पा रहा। तो बहुत सारे साथी तो एक के बात पूछ रहे हैं बार बार। सारे ने भाइयों ने नेट चलता हुआ गांव में बैठा ने बताया दूं, टिकरी बॉर्डर के हालात पूछे के हैं भाई। टिकरी बॉर्डर के हालात ये हैं कि संख्या बहुत है, काफी मात्रा में किसान हैं, फोरस भी बहुत है। जो भी होगा वो देखा जाएगा, ये चिंता करने की जरूरत नहीं है, बार बार फोन करके पूछने की कोई बात नहीं है। अगर किसी साथी को आना है तो स्वागत है, शाम ना आ सको तो और बढ़िया बात है, शाम ना नहीं आ सकते तो सुबेरे जरूर आइयो। और पूरी तैयारी हरियाणा कर रहा है, सारा हरियाणा के अंदर खबर आ रही है, कुंगड़ बहनी गांव की पंचायत बहुत भारी बड़ी पंचायत हुई है, और शायद अभी रात को आने वाले वो साथी, उनका फोन भी आया है मेरे पास में। मदीना से बहुत सारे साथी, बहुत बड़ी मात्रा में बहुत सारे साथी इकट्ठे हुए हैं, सुबह आने वाले हैं। तालू से, धनाना से 12 खाप इकट्ठी हुई है, उसे सुबेरे बहुत ज्यादा मात्रा में लोग आने वाले हैं, फोन आ रहे हैं भाइयों के। भाई काला गामड़ा का फोन आया था मेरे पास में, और इसके अलावा कंडेला खाप अभी रात को ही इकट्ठी हो रही है, और हमारे जो पास के गांव हैं, मेरे गांव सिसर के भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सिंगुआ के, मनेड़ी के, बडाड़ा के, बास के, कितने गांवों के मैं नाम ले लूं, सभी गांवों में पंचायत हो रही है। और दोबारा से मुझे ये लगता है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे, हरियाणा पूरा सुबह उठ के आएगा, और इतनी बड़ी मात्रा में आओगा, इतना सरकार का समझ में आओगा, बहुत बड़ी भीड़ आने वाली है सुबेरे सुबेरे। और साथियों से निवेदन करूंगा भाई, साथ में पीने का पानी, दूध ये भी जरूर लेके आए, और लस्सी, क्योंकि राशन पानी की व्यवस्था दो तीन दिन से डिस्टर्ब थी। और दूसरी बात भाई, जो बात गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर हो रही है, केंद्र सरकार राकेश टिकैत को अकेला ना समझे, पूरा हरियाणा राकेश टिकैत के साथ है, पूरे देश का किसान राकेश टिकैत के साथ है, राकेश टिकैत के आंसू पूरे देश के किसान के आंसू हैं। केंद्र सरकार जिस किसान नेता को, जिस किसान को रुआना चाह रही है, आंसू निकलवा रही है, ये किसान के आंसू नहीं है, ये सरकार के आंसू निकलेंगे भाई। टेम आए के बाद सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए, शांतिपूर्ण बैठे किसानों को भी आर्मी से, फोर्स से उठाया जा रहा है, कैसे देश में रह रहे हैं, कौन सी तानाशाही है इस देश के अंदर, कौन सी सरकार है इस देश के अंदर, इस देश की सरकार की नैतिकता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। दबाव बनाया जा रहा है किसानों को, जातों को फोर्स लगा दी गई है कि यहाँ से खाली करो, और इतनी उम्र के लोगों को रोने के लिए मजबूर करी है सरकार। दोस्तों एक एक साथी को इस बात को समझ लेना चाहिए, ये किसान के साथ कितना अत्याचार कर रहे हैं। साथियों पूरा जोर लगा दो, राकेश टिकैत को केंद्र सरकार अकेला ना समझे, गाजीपुर बॉर्डर के लोगों के साथ अगर कोई भी छेड़छाड़ हुई तो देश में इतना बड़ा आंदोलन होगा जिसकी कोई भी आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि किसी भी किसान साथी के साथ रात को छेड़छाड़ ना की जाए, हम अपना आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके के बावजूद भी कुछ आरएसएस के साथी ये घुसा रहे हैं, शंभू बॉर्डर के अंदर भी इन्होंने घुसाए हैं, आंदोलन को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन साथियों हमने अपने पूरे प्रयास इस आंदोलन को बचाने के लिए किए हैं, ईव आज भी हमने हमारे साथियों के साथ मिलकर टिकरी बॉर्डर के धरने से लेकर के पीछे धनाना जाटू खाप के जो धरना लास्ट में जो बाईपास के ऊपर है, कम से कम 25 किलोमीटर तक तिरंगा यात्रा निकाली, कम से कम 2-2.5 हजार आदमी हम थे, और लोगों में पूरा
छह सात हजार आदमी बताऊं भाई, मैं थोड़ा आगे चल रहा था, पीछे थी बहुत ज्यादा मात्रा में लोग थे। सरकार ने लाइट काट रखी है, दिखे नहीं। सरकार अंधेरा था थोड़ा, सरकार ने लाइट काट रखी है। पूरा जोश लोगों में है भाई, और पूरे नारे लगाते हुए सरकार को ये बताया कि पांच लाख ट्रैक्टरों के ऊपर 10 लाख झंडे इनको नहीं दिखे। सरकार को हमने बताया एक दुकान में 1 रुपये की चोरी हुई हो, 1 रेहड़ी बदबुली उठी हो, तो मैं मान लेता कि किसान ने हिंसा की है। मान लेता सरकार ने बेवजह लोगों के किसानों को बदनाम करने की कोशिश की है। और साथियों, हमारे कई बच्चे विशेष हरियाणा के गिरफ्तार करिए, उस दिन जब ट्रैक्टर यात्रा है, अगर हमने इस बात को ढीला छोड़ दिया, उन बच्चों के ऊपर नाजायज मुकदमे लगाए जा रहे हैं। वो बच्चे किसी उन्होंने कोई गलती नहीं की, वो किसान की लड़ाई में शामिल होने के लिए आए थे, उनको तभी बचाया जा सकता है। हम अपनी बड़ी संख्या लेकर के गांव-गांव से यहाँ पहुंचे, और जो एक एक साथी अपनी जिम्मेवारी को समझे, सुबह जितना जल्दी हो सके आप लोग अपने गांव से कम 6,500 गांव हरियाणा के अंदर हैं, एक एक गाड़ी भी गांव से आ जा, सरकार का जी लिकट जाएगा। एक के दिन में संख्या ऐसा हार जाएगी सरकार। अभी यह सरकार ने समझ रखा है कि एक दो दिन के लिए इन जो सरकार को बदनाम, सरकार अपना बदनामी कर रही है आंदोलन की, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए लाठी चार्ज करेगी, क्योंकि सरकार का नंगापन लोगों के सामने आ गया। तिरंगे झंडे के साथ छेड़छाड़ करवाने वाली खुद सरकार है। लोगों को ये बात समझ में आएगी, किसान को बदनाम करने के लिए, आंदोलन को तोड़ने के लिए तिरंगे झंडे का उपयोग इन्होंने कराया। इससे घटिया बात किसी सरकार के लिए नहीं हो सकती, और ये पहली बार नहीं होया है। सैनिकों की मौत के ऊपर इन्होंने वोटों की अपील करी है। गायें जिसको इन्होंने माता कहा, उसका नाम लेके इन्होंने वोट की अपील करी है। राम के नाम पर इन्होंने वोट की अपील करी है। राष्ट्रवाद के नाम पर इन्होंने वोट की अपील करी है। इन्हें वोट चाहिए भाई, चाहे कि मैं तिरंगा लगता नहीं, इनका देश लगता नहीं। आज इन्हें लाल किला भाव है, लाल किला अंबानी अटैनी को किराया बधेरे कह जब को निभाया, जब मर्यादा खत्म को नहीं हुई, ये RSS वाले सारी जिंदगी ने तिरंगा झंडा नहीं लगाया। किसान का तो एक एक ट्रैक्टर पर 4-4 झंडे थे, कड़े गए थे मीडिया के कैमरे, कड़े खुल गए थे, अंधे हो गए थे। ईब के कह रहे हैं कि ट्रैक्टर वापस जा रहे हैं। ये तारे बाबू जिस दिन आवे थे 20 तारीख तक 26-6 दिन तक लाखों की संख्या में आए, जीव तारे कमरे का गेट गया था। ईब जो ये दिखाने लाग रहे हैं भाई, जो आया था एक दिन खातर हो गए अभी है, और हमने यह कोई लिख थोड़ी रखी है कि हम सारी उम्र बैठे रहेंगे। अरे हमारे काम भी करने हैं, जितने साथी पहले यहाँ बैठे थे वह सारे के सारे एक एक साथी बैठे हैं। दोबारा तड़के लाखों की संख्या में लोग आने वाले हैं, और पूरी मीडिया, अरे वह बोधी मीडिया तड़के देखियो, अरे एक बार कैमरे नाड़ घुमा के जाइयो, तारा जमीर मर गया के सारे का। 4 सितंबर है, पीसिया खातिर मर गए थे हम सारे, देश ने बचा लो, देश को हम पढ़ लाग रहा है। अरे पत्रकार साथियों, पीसिया खातिर तो हमने जमा अपना जमीर बेच खाया भाई। मारी मीडिया सोशल मीडिया है, आप सब साथी हैं भाई जो मेरी बात को सुन रहे हैं। साथियों, आज भी अगर आपको पोस्ट नहीं कर सकते, इन बातों ने आगे नहीं पूछा सकते, तो भाई आप फेसबुक करियो, व्हाट्सएप करियो, फोन इन न मारो धरती का देगी, किमे काम नहीं आओगा। इतना ही आंदोलन चल रहा है, क्या है का फोटो ना लाओ, क्या है की बात ना करो, किसान आंदोलन की बात करो, किसान आंदोलन जीतने की बात करो। किसान आंदोलन जीतने के लिए चला था सरकार, चाहे कितना हंगामा ला लियो सरकार, किसी भी सूरत में इस आंदोलन को नहीं हारेंगे। एक एक किसान यहाँ मजबूती के साथ बैठा है, ये देखो ये तंबू भरे खड़े हैं सारे, ये आरा हरने के लिए नहीं बैठे हैं सारे, इतनी रात ना भाई ठंड में बैठे हैं, यही रात में जो बैठे हैं ये हरण खातर नहीं बैठे हैं। इनके अंदर एक उम्मीद है, अगर हमारे भाई हमारी आवाज को उठाएंगे, हमारे अंदर एक जज्बा है
कि ये लड़ाई हम जीतने वाले हैं। अगर हम आपकी बार हार के चले गए साथियों, देश नहीं बचेगा, यो किसान नहीं बचेगा। ये लड़ाई आर पार की है और लड़ाई कल से शुरू हुई है भाई। मानूस तो पहले हमने ना छेड़छाड़ सरकार ने करी थी, ना हमने करी थी। ईब सरकार ने झूठे मुकदमे करे, किसान को बदनाम करने की कोशिश करी, हरियाणा पंजाब को अलग अलग करने की कोशिश करी, हरियाणा के भाईचारे को खत्म करने की कोशिश करी। साथियों, जीवन मृत्यु मारा हाथ में नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। केस लागेंगे, लाग लेने दो। इस तरह मेरा दिन तारे खातर नहीं आवेगा। घर भी जेल है हमारी, तो रोटी टाइम पर कौन ध्यान दी? दिन रात खेत में पड़े रहो। हाँ, इस तरह से जेल में टाइम पर रोटी तो उठाऊंगी। 7 बजे चाह आ जाए, 9 बजे रोटी आ जाए, 3:30 बजे फिर चाह आ जाए, 7 बजे फिर रोटी आ जाए। मारे तो रोटियां टाइम भी कोनी, तड़के वाली तो सांझ न खावा, सांझ वाली अगले दिन खावा। के जीवन हमारा हो। और अगर ये कानून लागू हो गए, ये जमीना न खरीदेंगे और बैंक खोलने वाले जमीन खरीदने खातिर, पीयूष गोयल का बयान आपने सुना होगा, ये आने वाले टाइम में जमने वाले हैं। इन लोगों की मनसा बहुत खराब है और इन लोगों से देखो बचाना है तो आप सबको हाथ जोड़ के निवेदन है भाई, किसी का फोन ना उठा पाऊं तो कल ही ना मानियो। टिकरी बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं, लाग रहे हैं अपनी आत्मा तो लाग रहे हैं, पवित्र जम्मा आत्मा तो लाग रहे हैं भाई, किसान ने बचाने खातर लाग रहे हैं। और आप सबको भी धन्यवाद करूं जो साथी इस काम में लाग रहे हैं, जिन साथियों ने इसमें सहयोग कराया है भाई। जय जवान, जय किसान। एक बार भाई अजीत भी बात करा है, 2 महीने अजीत दलानत है, बता दे। राम राम भाइयों, आंदोलन तो असली ईब शुरू होया भाई, और जीत के जावांगे, क्लियर जीत के जावांगे। और इस वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर करो, और रातों ईब भाई मीटिंग बुला रखी है लोगों ने अपने किसान भाइयों ने, और रातें ने आना शुरू कर दिया है। और ईब जो बेरा बाटा भाई 72 घंटा अल्टीमेटम सरकार ने दे रखा, तो भाई बैठे ठा ले जाओ, आए की तो दिखा लो है। और राकेश टिकैत ने क्या कहा है, राकेश टिकैत का गला पूरा हिंदुस्तान का किसान खड़ा है, किसान ने ता मारा और पूरा सलाम करा, पूरी हर बात ने फॉलो करा। और हमारे जितने भी किसान नेता हैं, आज जो इस मीडिया ने बार बार 2 महीने आंदोलन चल रहा है, 2 महीने तो ऊपर टाइम हो गया, कदे भी कोई आपकी बात दिखाई किसान समाज, जिन संगठन ने यो इस घटना को अंजाम दिया उनका संयुक्त मोर्चा ने बहिष्कार कर दिया, दीप सिंधु था उसका बहिष्कार कर दिया, और वो कह गए उन्होंने आंदोलन वापिस ले लिया। वो संयुक्त मोर्चा का हिस्सा ही नहीं थे भाई, ले जाओ, कौन है वो वापिस लेने वाले। अच्छा हुआ कि गंदगी समय से पहले बाहर निकल गई, असली किसान जो है वो अभी बॉर्डरों पे डटा हुआ है, और असली जो किसान है वो अब आने शुरू हो गए हैं। अरे कि भाई दंदरे पड़ भेजा भाई, कल से आंदोलन में देखिए कदे रोवे रोवेगा बेटा, और कि मैं और खा जो तो बता दिए तो ना, देख भी लेंगे। नारा लाओ भाई, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, भाई भाई अमाई। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी, आगे निशान का देख के बाकी हिंदुस्तान का किसान पीछे खिंचेगा, फिर पंजाब वाले भाइयों ने लाठी मार के ठा जाएंगे। या मंत्र काट दिए मोदी, और सपनात्रा पहले भी था और आज भी है, यह पूरा को नहीं होने दिया। तो ना पहले तो यो SYL का मुद्दा छेड़ा, अगर हरियाणा पंजाब अलग अलग हो जाए फिर अगले पंजाब वाले भाइयों ने देख लिए। तो मोदी जी ये षड्यंत्र छोड़ दे, स्थिति नित्य कानून वापिस ले ले, इस देश का मठ ना मारे। सारी उम्र तो नहीं इन्हें षड्यंत्र हम खो दी, आगे तेरा नाम था, हमने खुद वोट दे रखे थे, खुद बड़ा मान सम्मान था। अगर मैं मोदी है कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा, तेरा यह अच्छा था कि क्रम सारा हिंदुस्तान का सारा जाडा और बरसात में बैठा बैठा ही काट दिया। और ईब तो एक भाई किसान भाइयों का अच्छी बात क्या है कि जाडा तो जा लिया, असली टेम आ गई, तो हमने कोई उनको नहीं छोड़ बस्तरे जरूरत, बार पड़ के भी अपना टेम काट के अपना ये आंदोलन जीत के जाओगे भाई। गुलाब सिंह जी हमारे बहुत मेहनती साथी हैं,
भाई साहब, सबसे पहले आपको राम राम, सत श्री अकाल। हाँ, जो विकास शिशिर है, हमारा छोटा भाई है, हम इसका देन नहीं दे सकते। बहुत अच्छा काम कर रहा है, इस आदमी का सहयोग दो। मैं तो इसके चरणों में शीश झुकाता हूँ। जो आदमी इतनी साफ मन से चल रहा है, इस आदमी का पूरा हरियाणा आभारी होना चाहिए। इसके ऊपर मान होना चाहिए। इसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है पूरे हरियाणा की। शीशर और जोगिंदर अजीत, ये आदमी बहुत हरियाणा के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पूरा अपने तन मन धन अपनी जिंदगी लगा देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। मैं इनके जज्बातों को सलूट करता हूँ। बहुत अच्छे लड़के हैं, इनके सहयोग दो, इनके साथ आके खड़ो। जो ये आदमी कर देंगे ना, इनकी सोच भगत सिंह से कम नहीं है। हम इसके ऊपर नाज करते हैं मेरे भाई से। मैं इनके लिए अपना सीट काट के भी इनके चरणों के नीचे धरने को तैयार हूँ। अगर मेरे शीश काटने से आपका आंदोलन, किसानों का आंदोलन सफल होता है, तो मैं अपना बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। जहाँ मर्जी, जदों मर्जी, आधी रात को फोन करो, मैं तत्पर हूँ। इन बंजों के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा, अपने देश के लिए, अपने पंजाब के लिए, अपने हरियाणा के लिए अपना बलिदान देने के लिए तैयार है। कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है। फोर्स आएगी, क्या करेगी? हमारे चार मोए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार, हमारे चार साथी खोए गए हैं, अफसोस की बात है। पर मरने से डरते नहीं हैं, मरने की बात मारने भी जानते हैं, पर आंदोलन को हम डा नहीं लगाते। इसलिए आतंक नहीं करना, हिंसा नहीं करनी, आराम से शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करना है, अपने को पीसफुली प्रोटेस्ट करना है। अपने हक लेके जाएंगे, जीतेंगे, हम जीतांगे जरूर, जारी जंग रखे हो, जीतांगे जरूर, जारी जंग रखे हो। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, हरियाणा पंजाब भाईचारा जिंदाबाद, हरियाणा पंजाब भाईचारा जिंदाबाद, जय हिंद, जय किसान, जय किसान। साथियों, आपने जोश देख लिया होगा। अरे भाई, इस मारी बात ने मैं कया नहीं करता, लेकिन ये कहना पड़ा भाई, मीडिया इस फोन के अलावा हमारी बात किसी भाई द्वारा नहीं पहुंच रही। इस बात ने आगे ने पूछाइयो, आंदोलन विश्वास रखो, आंदोलन जीतांगे। हमारे खून का पानी अभी नहीं हुआ है, शांति हमारे संस्कारों में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हमारे खून का पानी हो जाए। शांति से आंदोलन लड़ांगे, आंदोलन जीत की तरफ बढ़ रहा है। सरकार के सारे एक दिन के लिए नेट ना चलन की वजह से थोड़ा आंदोलन मनु लग गया था, बाकी मैंने किमें बदनामी करने की कोशिश करी थी सरकार। ये नेट नूट लेन लग रहे हैं, वाईफाई का जुगाड़ करा किसी भाई पर ले लेके करांगे, आंदोलन जीतांगे। सारे ने पूरा जोर ला दियो भाई, आप सबको राम राम, जय जवान, जय किसान।